मैं अरुणाचल के जितना भी यूथ है उसे निवेदन करूंगा कि हम ऐसी जगह है जहां हम अपने शारीरिक मानसिक सब कुछ तो संतुलित रह सकता है और साथ ही साथ उसके हमारे पढ़ाई लिखाई भी ठीक होगा। और सर जैसे कभी अभी आपने जिस जगह की है उसमें पार्टिसिपेट करना है सर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आई नो कि आप कैंसर मिनिस्टर नहीं है लेकिन कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है तो सर काफ़ी बार देखा जाता है कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं आपके लोग लेकिन इन्हें प्रॉपर में जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए नहीं दिया जाता है, तो इसे किस तरीके से देखेंगे यू बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर आपकी बात आज के दौर में सही मानो तो हमारे पेमा खांडू सरकार खेलकूद में बहुत प्रोत्साहन कर रहा है और फंडिंग भी ज़्यादा दे रहा है, आस्ते आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है और हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। हाल ही में हमारे तगोवर के बच्चे अच्छे किए हैं, कराते में भी अच्छे किए हैं, बैडमिंटन में अच्छे कर रहे हैं, आपके हर इवेंट अभी जो खेलो इंडिया की यूथ हुआ हरियाणा में उसमें भी हमारे बच्चे बहुत से मेडल लेके आए। इस टूर्नामेंट में हमको अभी पता चला है कि 19 डेज में जो बच्चा इनका साथ में था ये 19 डेज हुआ इनका बच्चा कोचिंग हुआ ऑलमोस्ट सब लोग फाइनल आ गया, तो अगर 19 डेज में इतना चेंज कर सकता है इतना इम्प्रूव ला सकता है मैं विश्वास में कि 2 साल में और 1 साल में काफ़ी हमारा बच्चा अभी जो देखा है पक्का वो नेशनल में हम लेने के लिए और चैंपियन लेने के लिए हम बिल्कुल कोशिश और विश्वास है। ये है हमारा इंटरनेशनल कोच और वन ऑफ द रेनॉल्ड्स कोच, इन्होंने काफ़ी चैंपियन लिया है, वर्ल्ड का भी जूनियर चैंपियन लिया है, ऑल इंडिया में भी इंडिया ओपन में भी फाइनलिस्ट था, वो 25 इयर्स एक्सपीरियंस कोचिंग में है इंडोनेशिया से, अभी हम लोग का हेड कोच है, इनका अंदर में जो बच्चा लोग था ऑलमोस्ट फाइनल में आया और वो 1 महीना भी नहीं हुआ 19 डेज में इतना चेंज आया बच्चा लोग, तो हम इनको 2 साल के लिए एग्रीमेंट रखा है तो हमारा यहाँ पे, इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारा पेरेंट्स और गवर्नमेंट और हमारा एथलीट्स इनका अरुणाचल में प्रेजेंट को पैदल है या अरुणाचल में बहुत लोग आने मानता नहीं इनको, हम जैसे तैसे कि हम कन्विंस के आया है तो अभी इम्प्रूव को देखा दिया है कि आग में देखा दिया आप लोग भी देखा और नेक्स्ट टूर्नामेंट में और आप लोग को इम्प्रूवमेंट देखा देने मिलेगा, हम विश्वास है कॉन्फिडेंट है कि नेशनल में भी हमको चैंपियन मिलेगा। Actually surprise ya, because just 19 days we here, then perhaps I want request only for government Arunachal Pradesh, if we want compete with another state or another countries, yeah, maybe we need facility like a stadium, minimum 5 or 6 stadium, then we can compete. And sir, as sir said, you are like you know, known player international. You have played international, and now you are giving coaching. Then we would like to know that is there any suggestion or you know appeal to the concerned authority or government so that the people and then players and particular badminton can you know nourish themselves. About. Like you know. Do you want to like you know appeal concerned authority so that you know infrastructure wise players can you know improve their tactics on badminton? Actually, if about infrastructure, stadium, actually in Arunachal Pradesh many talents. But if we have like 20 students, 20 players, then only two court, I think not enough. That's why I want request for next year we have a more biggest stadium in Arunachal Pradesh. Thank you.